पूरी रिकॉर्डिंग करता है बड़े भाई ये। हाँ जी सर, क्या हुआ सर? सर रॉन्ग साइड तो कहीं लिखा ही नहीं है सर वहाँ पे। मेरे को तो देखो मैप लेके आया है, मैप से आ रहा हूँ, मुझे रास्ते नहीं पता। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दी चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है इस नए फ्रेश व्लॉग में। टुडे इज 22nd और हम लोग हैं अभी अपने घर पे। जैसे कि आप लोगों को पता है 19th को भाई घर पे आ चुकी थी। सबसे पहले तो बहुत 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 थैंक यू लास्ट वीडियो पे इतना ज्यादा प्यार दिखाने के लिए। 10,000 व्यूज कंप्लीट हो चुके हैं, अप टू 1,000 लाइक्स भी हो चुके हैं, तो थैंक यू सो मच यार। बस ऐसे प्यार दिखाते रहो, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करा करो, शेयर करा करो, कमेंट किया करो, और कुछ नहीं चाहिए। तो भाई मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूं और आप लोगों को वीडियो को टाइटल देख के और थंबनेल देख के पता चली गया कि हम लोग कहां जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, एक मेरा फ्रेंड है वो भी व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा है, तो हम अभी इतना एक्सपीरियंस तो नहीं, बट स्टिल थोड़ी चीजें बता सकता हूं उसको। तो इस वजह से आ रहा है मिलने। GoPro मेरा चार्ज हो रहा है, थोड़ा लेट हो गया। सुबह से बारिश हो रही थी, बड़ी मुश्किल से बारिश इस टाइम पर रुकी है, थोड़ी थोड़ी धूप। अब निकलते हैं, फटाफट बाइक लेके जाते हैं करोल बाग। करोल बाग मुझे क्यों जाना है? जाना के शोरूम जाना है। अब इसकी जो बैक स्टोरी है एक दो दिन की, वो मैं आपको बताऊंगा सीधा बाइक पे। मैं मिलता हूं आपसे सीधा मोटो व्लॉगिंग मोड पे। तो भाई वेलकम बैक टू दी मोटो व्लॉगिंग मोड। अभी निकल चुके हैं करोल बाग के लिए। यहाँ से डिस्टेंस जो पर करोल बाग का पड़ता है वो 14 किलोमीटर पड़ता है सिर्फ, बट ट्रैफिक बहुत मिलता है यार। जखीरा पुल के आसपास और रानी बाग मार्केट के आसपास तो एक घंटा करीब लग जाता है 13-14 किलोमीटर को भी। करोल बाग जा रहा हूँ मैं जाना के शोरूम पे। एक्चुअली मेरे को बाइक की सारी एसेसरीज लगवानी थी। कन्फ्यूज हो रहा था पहले कि या तो जीवी का देखूँ या तो फिर इसका देखूँ, क्योंकि जीवी के अलावा जो रॉयल एनफील्ड की फिटिंग आती है जो कि अनमोल ने अपनी KTM के ले ली थी, उसने बोला था कि रॉयल एनफील्ड का भी लगवा सकते हो, क्योंकि मुझे साइड पैनियर्स जो चाहिए थे वो मुझे स्टील वाले ही चाहिए थे, मतलब जो पूरा फाइबर का था वो वाला नहीं चाहिए था। और टॉप बॉक्स भी अनमोल ने शेड का लगाया था बट मुझे नहीं चाहिए, मुझे पूरा स्टील सेटअप चाहिए। तो उसके लिए सैडल स्टेज भी पूरे स्टील के ही आते हैं, तो सबकी अलग अलग फिटिंग होती है। मैंने जाना पे भी बात की थी, पाथवेवर्स पे भी बात की थी। तो जाना पे मुझे ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस लगा, क्योंकि सेम चीज का प्राइस मेरे को पाथवेवर्स पे ज्यादा लग रहा था। पता क्या, ओहो, पहले जो प्लान था ना वो ये था, अनमोल को अपनी 1250 के लिए लेना था सारा सामान, तो उसका जो साइड पैनियर है वो उसने BMW से मंगा लिया जो कि ओखला में है। तो आज वो ओखला जाने वाला था तो मेरे को पाथवेवर्स ही जाना था ओखला, बट फिर मैंने जब प्राइस कंपेयर किए पाथवेवर्स के और जाना के शोरूम के, तो मुझे जाना वाला ज्यादा अफोर्डेबल लगा। तो मैंने कहा चलो फिर जाना ही चलते हैं। दो बज चुके हैं, यहाँ से एक घंटा दिखा रहा है, वो भी गुड़गांव से निकल चुका है रुद्राक्ष, तो सेम टाइम पे लगभग पहुंच जाएंगे। अभी तो ट्रैफिक झेलना है भाई करोल बाग का सबसे मुश्किल। और यार मैंने ना लास्ट वीडियो में एडिटिंग के टाइम पे नोटिस किया है कि शायद कैमरा एंगल मेरा थोड़ा गड़बड़ हो गया था। मैंने जिक्सर के हिसाब से चलाई, बाद में देखा कि भाई बाइक तो बिल्कुल दिखी नहीं रही, तो वो हैंडल राइजर की वजह से भी हो रहा है, क्योंकि हैंडल राइजर इसमें अभी लगे नहीं है तो ऑब्वियसली हैंडल थोड़ा नीचे। इस बार मैंने पूरी कोशिश करी है कैमरा उसी के हिसाब से थोड़ा सेट करने की, बाकी आज वाइजर इस पर लग जाए तो फिर और सही हो जाएगा कैमरा एंगल, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। यही कट है ना? हाँ यही कट है। 7 किलोमीटर की बताओ, 24 मिनट दिखा रहा है भाई। यार मैं बहुत ज़्यादा ना लापरवाह हो गया हूँ सही, हमेशा कोई ना कोई गलती हो ही जाती है मेरे से। अभी देखो निकला, पता था कल से पता था कि जाना है आज, जाना है जाना है, डिवाइस चार्ज पे ही नहीं लगाया, और अभी देख रहा हूँ भाई GoPro में भी बैटरी नहीं है और कैमरा में भी नहीं है। यार शूट कैसे होगा भाई, कैमरा GoPro दोनों डिस्चार्ज। कॉल आ रहा था यार, मैंने कहा किसका कॉल आ रहा है, मुझे लगा क्या पता रुद्राक्ष का आ रहा ऊपर, अनमोल का कॉल आ रहा था, वही पूछ रहा होगा वो भी कि हुआ कि नहीं हुआ काम, क्योंकि बताया था उसको मैंने आज मैं जा रहा हूँ। आज वो भी गया हुआ है ओखला अपने पैनियर्स वगैरह लगवाने, भैया मैं तो पहुँचा ही नहीं अभी तक। वैसे कल पता है मैं गुड़गांव गया था, मैंने कल ब्लॉग नहीं किया था, एक्चुअली कॉलेज फ्रेंड का बर्थडे था तो सब लोग आ रखे थे, तो फिर मैं भी चला गया था, बाइक से गया था स्पेशली टेस्ट करने। मेरे को BMW वाले ने बोला था कि अभी इसको ज़्यादा लोड मत देना, प्रेशर मत देना, बट मैंने यूट्यूब पर जो रिव्यूज़ देखे उसमें कह रहे कि भाई बाइक 1000 किलोमीटर तक हर कंडीशन में चलानी चाहिए। अनमोल भी मुझे ये कह रहा था भाई मैं 1250 भी हर कंडीशन में चला रहा हूँ, खींच भी रहा हूँ, ऑफ रोडिंग भी कर रहा हूँ, गड्ढे गुड्ढे में भी चला रहा हूँ, स्लो भी चला रहा हूँ, मतलब सारा एक तरीके से टेस्ट कर रहे हैं बाइक को। तो कल मैंने बढ़िया टेस्टिंग करी भाई, पिकअप ओहो मजा आ गया सीरियसली। अब वो कंफर्ट लेवल भी आ गया बाइक चलाने में, जैसे कल परसों जब मैं बाइक लेके आ रहा था ना थोड़ा डर डर के चला रहा था, अब इसको बढ़िया जिक्सर की तरह ले जाता हूँ मैं, चाहे ट्रैफिक हो चाहे कुछ हो। बस ये है कि यार इसका ना जिक्सर को तो दूसरे तीसरे गियर पे भी उठा दी, ये नहीं हो पाती, ये तुरंत ही बंद हो जाती है। यार लोकेशन ने तो वहीं पे रोक दिया, पर जाना मोटर्स क्यों नहीं दिख रहा है मुझे? SS ऑटो सरस्वती जाना 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 किधर? हाँ 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 यार ये कह रहे हैं उधर है, तो घुमाया जा रहा है बस गोल 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 गोल। भाई पता नहीं यार समझ नहीं आ रहा क्या। अरे सेठ जी बढ़िया, कहाँ से देख लिया तूने? अच्छा मुझे लगा लेट करेगा तू, कहाँ है भाई जाना ही नहीं मिल रहा मुझे तो। ये जाना मैं वहाँ, अच्छा ये तो रहा यार, बताओ यार मेरे को मिल नहीं रहा इतनी देर से। ओके यार मैंने तो एक्सपेक्ट किया था कि थोड़ा बड़ा होगा जाना। तो भाई पहुंच चुके थे जाना करोल बाग, पहले तो बहुत टाइम लग गया ढूंढने में, बट यहाँ पर खड़ा हुआ था रुद्राक्ष, और सोच के तो आया था सैडल स्टेज वगैरह सब लगवा के जीवी के लगवा लूंगा जो कि पता गए थे, बट जीवी के बड़े कॉस्टली पड़ रहे हैं, जैसा कि मुझे ऑनलाइन देखा था मैंने वो नहीं पड़ रहे, 70,000 रुपए के बोल रहे हैं पूरा का पूरा जो उसका सेट आएगा, बट फिर अनमोल से बात की तो अनमोल कह रहा वर्थ नहीं। तो सोच रहा हूँ मैं रॉयल एनफील्ड के लगवा लेते रॉयल एनफील्ड के लिए, बट ये कि फिटिंग नहीं मिल रही 310 में।
अभी गार्ड्स का काम चल रहा है, जो इसका पूरा सेट है जाना का जो मैंने ऑनलाइन देखा था वही प्राइसिंग पड़ रही है 19-20,000 रुपीज की फिटिंग के साथ या फिटिंग के अलावा, वो चीज़ अभी पता चलेगी। तो गार्ड्स में तो जो आ रहा है वो इंजन गार्ड आएगा, रेडिएटर के लिए लाएगी, और ये वाला जो पार्ट है प्लास्टिक का ही निकल के इसकी जगह पर मेटल का लग जाएगा ताकि नीचे कुछ टूट रहे ना, ठीक है, और इसकी पूरी फेयरिंग आ जाएगी, तो बाइक थोड़ी सॉलिड हो जाएगी दिखने में। अब लक्ष्य भाई से बात की, लक्ष्य भाई बता रहे हैं, पता कर लेता हूँ, क्योंकि 310 का शायद बनता नहीं है, कस्टमाइज बनवाना पड़ता है, तो वहाँ से फिर शिप होगा, फिर आने में 7-8 दिन लग जाएंगे जैसा कि उसने बताया। तो मेरी ट्रिप तो भाई अब 4-5 दिन बाद ही थी, तो अब इस बार देखते हैं, क्या पता मैं ये वाली ट्रिप ऐसी करूँ अपने नॉर्मल क्लॉबैक के साथ, कोई बात नहीं, एक ट्रिप चल जाएगी, शॉर्ट ट्रिप है वैसे भी, बड़ी वाली ट्रिप से पहले तो करवाना है ही। टॉप बॉक्स देखते हैं, टॉप बॉक्स किसका लगवाना का, जीवी का कॉस्टली नहीं पड़ेगा या फिर अफोर्डेबल होगा तो उसके साथ करवा लूंगा, क्योंकि इसकी जो पीछे की फिटिंग है ना वो BMW की फिटिंग है, तो BMW के पैनियर्स तो भैया लेने वाला नहीं हूँ। ग्रिल वगैरह लग गई है, पूरी फेयरिंग लग गई है, नीचे का इंजन गार्ड लग गया है, और बाकी वो क्या कह रहे हो भैया आप, कौन सा ये रेडिएटर ग्रिल कौन सी कहाँ मिल जाएगी? गोल्डन बाइक ट्राई कर सकते हो। तो मैं एक्चुअली क्या है ना कि रेडिएटर ग्रिल जाना की लेने इससे अच्छा मैंने सोचा था कि GS 310 की लूंगा, जिसमें GS 310 की ब्रांडिंग होती है। अब वो भैया बता रहे हैं शॉप को ही वहाँ जाकर देखता हूँ, भैया कैश के बिना पेमेंट नहीं ले रहे, तो सबसे पहले तो कैश निकलवाने। फिर कितने बजे आना है? 4 बजे इसको निकलना है मेरे को भी है, हाँ तो फिर है अभी 1-1.5 घंटा, फटाफट बाकी का सारा काम खत्म करता है, बारिश वाला मौसम हो रहा है। रेडिएटर ग्रिल जो मेरे को लेनी थी वो 310 GS की ब्रांडिंग वाली लेनी थी, तो उन्होंने बताया था कि मोटो प्लैनेट पे चले जाओ जाना वाले ने, तो मैं यहाँ पर आ रखा था मोटो प्लैनेट पे भी। रेडिएटर ग्रिल लग चुकी है 310 GS की ब्रांडिंग वाली, साथ साथ फोन माउंट भी लग गया। और तीसरी चीज जो मैंने हैंडल राइज करवाया, मेरे को सैडलिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसके नीचे ना BMW वाले ने बोला था कि ये वजन लग जाएंगे, तो भैया से पूछ के उन्होंने लगवा लिया, थोड़ा सा फर्क पड़ा है, इतना ज्यादा नहीं हुआ बट फिर भी सैडलिंग के लिए थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा पहले से, ठीक है। तो रात हो चुकी है, यहाँ से रुद्राक्ष को भी लेट हो रहा है, मैंने जबरदस्ती 1 घंटा और रोक लिया क्योंकि इसकी थोड़ी सी ऑफिस की भी लेट हो रहा था, तो निकलते हैं फटाफट। बाकी सारा जो 2-3-4 चीजें थी वो मैं सोच रहा हूँ अगली बार जब आऊंगा तभी लूंगा, क्योंकि सामान ले जाने वाला कुछ नहीं है मेरे पास, बैग लाया था, बैग में भी सारे इसके पार्ट्स लग जाएंगे जो पार्ट्स निकले हैं यहाँ से। तो भाई निकलते हैं यहाँ से, सारा काम हो चुका है, बिल पे कर दिया है, बिल भी ले लिया, तो भाई थैंक यू रुद्राक्ष, तेरा काम भी हो गया, मेरा काम भी हो गया, निकलते हैं। इसका चैनल होने वाला लाइव, लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में जैसे ही आ जाएगा, पूरी रिकॉर्डिंग करता है बड़े भाई ये। हाँ जी सर, क्या हुआ सर? सर रॉन्ग साइड तो कहीं लिखा ही नहीं है सर वहाँ पे, मेरे को तो देखो मैप लेके आया है, मैप से आ रहा हूँ, मुझे रास्ते नहीं पता। लाइसेंस दिखा दीजिए। लाइसेंस दे दिया सर। नंबर प्लेट कब लिया बाइक सर आपने? परसों। इसका वो दिखा दीजिए आप, वो इंश्योरेंस या कोई डॉक्यूमेंट, इंजन नंबर। हाँ सर वो दिखा देता हूँ। लो भाई जो पैसे बचाए थे वो यहाँ देने पड़ गए, क्या यार अब इसमें मेरी क्या गलती भाई, वन वे है, मुझे क्या पता वन वे है, दिख भी नहीं रहा वहाँ से वन वे है, कैमरा देख के तब जाके थोड़ा तमीज से शुरू किया उन्होंने बात करना। GoPro भाई शट डाउन होने वाला है अभी, अपना बंद हो गया था, तो मैं सोचा लास्ट अपडेट दे दूँ, फटाफट से सारा काम करवा लिया, करोल बाग से वापस निकल रहे हैं, रॉन्ग वे आ गया था। तो भाई घर पहुंच चुके हैं, हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है मेरी भाई, इतना ट्रैफिक, शरीर टूट रहा है मेरा, एक तो सुबह से खड़े खड़े हालत खराब हो गई। GoPro भी डिस्चार्ज हो गया था जैसे कि आप लोगों ने देखा थे, क्या हुआ पुलिस वाले ने रोका, फिर भाई यार 500 रुपए लिए छोड़ दिया, और क्या, अब गलती मेरी एज सच कोई नहीं थी, डॉक्यूमेंट्स आ रहे थे मेरे पास, मास्क भी मैंने लगा रखा था, बल्कि हेलमेट में जरूर नहीं था बट फिर भी मैंने लगा रखा था, उसके बावजूद वो बोले कि नहीं वन वे है, फिर उन्होंने कैमरा की रिकॉर्डिंग, फिर उन्होंने बोला कि रिकॉर्डिंग बंद करो, रिकॉर्डिंग बंद की, उसके बाद उन्होंने बोला कि कोई नहीं 500 लाओ जाओ। अब मैं भाई क्या करूँ, हालत इतनी खराब, 500 रुपए का फटका पड़ा है आते आते। तो भाई ऑलरेडी ये वीडियो बहुत अच्छी खासी लंबी बन चुकी है, मैं सोच रहा हूँ इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, बाइक की सारी डिटेल और क्या क्या करवाया है, कैसे कैसे क्या कॉस्टिंग पड़ी, क्या प्राइस था, सब कुछ मैं सब कुछ बताऊंगा एक अलग से वीडियो में, पहले मैं सोच रहा हूँ कि सारा काम कंप्लीट करवा लेते हैं, फिर उसके बाद एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे उस चीज से रिलेटेड। तो अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही रखता है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल का कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाओ, लास्ट वीडियो पे जैसे प्यार दिखाया वैसे दिखाते रहो, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।